डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास टेंथ के लिए मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि जानते होंगे, क्लास टेंथ में मैथमेटिक्स हम लोग एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी की बुक से वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल या मीन्स की 12.3 आज शुरू करने वाले हैं। जस्ट न्यू चैप्टर है। जैसा कि जानते हैं, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में टोटल 3 एक्सरसाइज है। 2 एक्सरसाइज यानी कि 12.1 और 12.2 को मैंने कंप्लीट किया है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 12.3 को। 12.3 को स्टार्ट करने से पहले आपको ये लग रहा होगा कि कुछ इसमें से कुछ नया फार्मूला निकल कर आएगा, कुछ नया थ्योरी मिलेगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पे एक आपको नया फार्मूला एक ही याद रखना होगा कि देख लो भाई, वृत्त का क्षेत्रफल तो याद है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें एक जुड़ जाता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। जहां भी अर्धवृत्त बनेगा तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर में से 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो याद रखियो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और उसमें अर्धवृत्त का निकालना हो तो क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर में 2 से डिवाइड कर देंगे। आप समझो, वृत्त है और वृत्त से अर्धवृत्त जाने के लिए इसको 2 बराबर भाग में काट देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर में से 2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए, तो और इसके अलावा कुछ फार्मूला नहीं है दोस्त, वही त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, है ना, यही सबका फार्मूला आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों को एक नया फार्मूला निकल कर आ रहा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बाकी वही पुरानी फार्मूला। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन? जैसा कि ऊपर में ही देख पा रहे होंगे, आप पढ़ लीजिए। तो लिखा है, जब तक अन्यथा न कहा जाए, पाई का वैल्यू 22/7 का प्रयोग कीजिए। हालांकि ये हम लोग तो जानते ही हैं कि अगर जब तक नहीं बोला जाएगा, यानी कि पाई 22/7 हमेशा यूज करेंगे। और जब किसी सवाल में बोल दिया कि पाई का वैल्यू 3.14 रखना है तो वही हम लोग रखेंगे। फिलहाल आकृति 12.19, तो यही 12.19 है। चलिए ऐसा फिगर बना लेते हैं। आप कंपास की सहायता से और गोला अच्छा से बनाइएगा। यहाँ पे देखिए केंद्र है जिसका नाम ओ है। यहाँ से एक खींचा जा रहा है रेखा, यानी जिसको व्यास कहते हैं। इसका नाम आर है, इसका नाम क्यू है, देते चले आर क्यू। फिर यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। फिर इसको ऐसे मिला दिया गया है और यहाँ से कलर किया गया है। जिसको कलर किया गया है ना, उसको कलर कर लीजिए, तभी तो पता चलेगा ना कि किसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ये हो गया, इसका नाम पी है। अब यहाँ फिगर भी बना लिए। अब क्या बोला जा रहा है? पी क्यू का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है। तो पी से लेकर क्यू तक, यानी कि ये आपका 24 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर क्या बोला? पी आर का वैल्यू 7 है, पी से लेकर आर तक। यही ना पी आर है? पी आर हम लोगों का 7 सेंटीमीटर है। तो क्या बोला जा रहा है? ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। तो इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि पी आर क्या है हम लोगों का। पी आर वृत्त का, सॉरी, आर क्यू वृत्त का व्यास है। यहां लिखिएगा चित्र में, आर क्यू कॉमा ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। जी हाँ, ओ केंद्र वाला वृत्त का आर क्यू जो है व्यास है, क्लियर। और पी क्यू का वैल्यू हमको दिया है, पी क्यू का वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर। पी आर का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। आप समझो,
छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये वाला निकालने के लिए, अगर अर्धवृत्त, ये दिख रहा है ना, अर्धवृत्त है, और ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा दें तो ये हम लोगों को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो जी बिल्कुल, आपको क्या करना है, पूरा अर्धवृत्त, क्योंकि वृत्त से, वृत्त के केंद्र से जब हम लोग अगर पास करते हैं किसी भी रेखा को तो दो बराबर बराबर भाग में बंटता है अर्धवृत्त में। तो हम बोलेंगे कि इधर वाला पार्ट पूरा अर्धवृत्त बन रहा है, और इस अर्धवृत्त में से इस त्रिभुज को अगर घटा लिया जाए, समझ रहे हैं, इस त्रिभुज को घटा लिया जाए तो हम लोगों का ये वाला बन रहा है जिसको छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोलेंगे। ये वाला जो पार्ट है ना, आप देखेंगे R और P बिल्कुल एकदम लाइन से गुजरा हुआ है, तो इसको हम लोग निगलेक्ट करके चलेंगे। ये मेरा थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस बन रहा है, इसको एकदम नज़दीक से क्रॉस किया है। तो कुल मिलाकर हमें क्या करना है, फिलहाल हमें करना है अर्धवृत्त में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेना है, तभी ना छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इस त्रिभुज में पता है ना अर्धवृत्त में बना हुआ त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा में 2, और माइनस समकोण त्रिभुज का फार्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब पाई का वैल्यू कितना रखना है भाई, 22/7, आर का स्क्वायर, तो इसका त्रिज्या अब कैसे निकलेगा, तो इसका त्रिज्या निकालने के लिए आपको यहाँ पे आर क्यू निकालना पड़ेगा, यानी कि कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण का फार्मूला हम बताए थे एच बराबर √P² + B² अब P² कितना है, 24 का स्क्वायर, B² कितना है, 7 का स्क्वायर। तो आप इसका रूट निकाल लीजिएगा, जितना आएगा वो एच हो जाएगा, यानी एच मतलब कर्ण, कर्ण बोले तो आर क्यू, समझ में आया, आर क्यू का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जितना कर्ण आएगा उसका आधा कर दीजिएगा, क्योंकि कर्ण जो होगा वो हम लोगों का व्यास हो जाएगा, तो उसका आधा कर दीजिएगा, मैंने एच जितना आएगा। अब आर निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो एच में 2 से भाग कर दीजिएगा, तो आर निकल जाएगा उसका 22/7, और 1/2 को हम आगे कर रहे हैं, 1/2 जो है यहाँ लिख दिए, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा, कर्ण, कर्ण जो निकलेगा पूरा इससे 24 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, फिर रूट अंडर कर लीजिएगा, तो एच जितना आएगा एच में कितना से भागा करेंगे, 2 से, तो त्रिज्या निकल जाएगा, और जितना त्रिज्या होगा उतना का स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस 1/2 गुने आधार इसका दिया हुआ है, आधार कितना 7, और ऊंचाई कितना 24। तो इस तरीके से इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। पहले आपको क्या करना है कि त्रिभुज में चलना है, एच निकालना है, कर्ण निकालना है, कर्ण निकल जाएगा तो जितना कर्ण, कर्ण का मतलब हुआ आर क्यू ना, तो आर क्यू तो इसका व्यास हो जाएगा वृत्त का, इसलिए त्रिज्या ना हमको यहाँ पे फार्मूला में चाहिए, तो उसका आधा कर दीजिएगा, व्यास जो है त्रिज्या, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो इसलिए आर का यहाँ जो मान आएगा यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, आकृति दिखा रहा है, आकृति 12.20, ये आकृति है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला ABCD जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ओ केंद्र है, और इससे ओ केंद्र वाला से ही दुगो वृत्त लग रहा है, एक ये वृत्त और एक उसके बाहर वृत्त, और एक अंदर वाला का त्रिज्या 7 है और बाहर वाला का त्रिज्या 14 है, और AOC का मान 40 डिग्री है। तो आप कैसे छायांकित भाग का निकालेंगे, तो पहले बड़ा वाला त्रिज्यखंड दिख रहा है, बड़ा वाला त्रिज्यखंड में से छोटा वाला त्रिज्यखंड को घटा लीजिएगा, दोनों के लिए थीटा वही रहेगा, इसके लिए त्रिज्या 14 होगा और छोटा वाला के, चलिए तो इसका बात कर लेते हैं। फिगर कुछ ऐसे है,
फिगर बनाइएगा अच्छा से। ये हुआ फिगर, यहाँ केंद्र है और यहाँ से ओ केंद्र है, इसका नाम ए है, यहाँ बी है, यहाँ डी है, यहाँ सी है, ठीक है। और इसका हम लोगों को भाग कलर किया हुआ है, ये कलरफुल है और हमको इसी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे कोण जो है 40 डिग्री है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं एक्चुअली, यहाँ पे निकालने के लिए यहाँ पे लिखिएगा चित्र में छोटे वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, राइट। कोण यानी कि थीटा दिया है 40 डिग्री, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्यखंड तो बड़ा वाला बनेगा, छोटा वाला वृत्त का त्रिज्यखंड छोटा वाला बनेगा, तो इसका लिखेंगे बड़े वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का त्रिज्यखंड का फॉर्मूला थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, माइनस इसका भी वही होगा थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। लेकिन थीटा दोनों में कितना रखना है भाई, दोनों के लिए तो वही कोण है ना 40 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 40 बट्टा 360। देखिए 40 बट्टा 360 गुने पाई का तो वैल्यू नहीं बोला जा रहा है कि 3.14 रखो, तो हम रखेंगे 22 बटा 7, लेकिन आर का स्क्वायर तो बड़ा वाला वृत्त है ना, इसके लिए तो त्रिज्या 14 का स्क्वायर, माइनस इसके लिए भी थीटा यूज करेंगे 40 बटा 360, पाई का वैल्यू 22 बटा 7 और आर का जगह पे 7 का स्क्वायर, और जितना आएगा या जो कटेगा सो कटेगा और उसको घटा लेना है, तो इस तरीके से हम लोगों को आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कुछ हमें नया फार्मूला यूज नहीं करना है फिलहाल, आपको एक ही यहाँ पे दिमाग लगाना है कि किस में से किस में घटाएंगे तो हम लोगों को वो निकलेगा छायांकित भाग का। फिलहाल चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन में दिख रहा है आकृति 2 12.21, यानी कि इस तरह का आकृति है, बोला जा रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल देख लो, यही है हम लोगों का छायांकित जो कलर किया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है और ए पी डी और बी पी सी दो अर्धवृत्त है, ठीक है। चलो तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एक्चुअली, हम लोगों को फिगर कैसा दिया हुआ है, फिगर राइट साइड बना लेते हैं। ए हम लोगों का भाई ना एक वर्ग है, और एक वर्ग की भुजा हमेशा जानते हैं ना सभी तरफ बराबर होते हैं, तो इसका वर्ग की भुजा कितना कितना है, इसका भी 14 सेंटीमीटर, इसका भी 14 सेंटीमीटर, इसका भी 14 सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग की भुजा सभी भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पे एक ऐसे करके अर्धवृत्त लगा हुआ है और एक ऐसे अर्धवृत्त लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ना कलर किया हुआ है, ये वाला रीजन कलर किया हुआ है, आपको इसी का क्षेत्रफल निकालना है। आप बताओ मेरे दोस्त कि ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जरा दिमाग लगाना। क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसमें से इस अर्धवृत्त को और इस अर्धवृत्त को दोनों को घटा लेंगे, तो इधर वाला छायांकित और इधर वाला छायांकित बच जाएगा। इसके लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा कि वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 गो अर्धवृत्त, और इधर जितना अर्धवृत्त बनेगा उधर ही इतना भी बनेगा, हालांकि नाम दे देते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम पी, इसका नाम डी, इसका नाम बी, इसका नाम पी है ही है, और इसका सी, यानी ए पी डी और बी पी सी एक 2 अर्धवृत्त बना हुआ है और ए बी सी डी एक वर्ग है, तब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो आपको पता है कि जो अर्धवृत्त है उसका तो व्यास हुआ हम लोगों का 14, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 7, ध्यान रखिएगा। यानी वर्ग की भुजा कितना दिया है, वर्ग की भुजा दिया है 14 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धवृत्त का जो व्यास होगा,
अर्धवृत्त का व्यास होगा, वो भी व्यास भी मेरा 14 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि व्यास वही ना भुजा हो जाएगा क्योंकि अर्धवृत्त है। इसलिए यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे, व्यास में 2 से भाग कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गया। ये त्रिज्या किसके लिए करेंगे हम लोग? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल में से कैसे करेंगे भाई, कैसे निकालेंगे? तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल जितना है उसमें से घटा लेंगे 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धवृत्त कितना है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है ना भाई, और माइनस 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा में 2। ठीक है, 2 गु क्यों किए हैं? क्योंकि 2 गो अर्धवृत्त है, इसलिए दोनों अर्धवृत्त को घटा लेंगे। तो 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से 2 तो कट गया, भुजा का स्क्वायर रखना है तो वर्ग की भुजा कितना है? 14 का स्क्वायर माइनस इस पाई के जगह पे रखना है 22/7, क्योंकि 3.14 बोलता है तभी रखते हैं, अन्यथा हर जगह 22/7 रखते हैं। और आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर बोले तो आर वो तो हम लोगों को व्यास ना हो गया अर्धवृत्त के लिए, तो त्रिज्या निकाले 7, तो इसका 7 का स्क्वायर कर दीजिए और जितना कैलकुलेशन करके आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो दोस्त इस एक्सरसाइज में टोटल 3 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किए हैं, और देखा जाए तो इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है, 11 क्वेश्चन और टोटली 16 क्वेश्चन टोटल है, यहाँ से 15 नंबर ये हो गया और 16 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आज 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं, चलिए अगले दिन हम लोग और 3-4 क्वेश्चंस को करेंगे। तो इस तरीके से 2 से 3 दिन लगेंगे और हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमेशा ये जो क्वेश्चन हम अधूरा छोड़ते हैं चीज़ों को समझा कर कि कैसे करना है, आप उसको बिल्कुल कंप्लीट करके हमें भेजिए। तब तक धन्यवाद।